उनके खाते में पैसा नहीं गया मजदूरी, तो हवा पी के रहेंगे मजदूर। कि जो देश के सामने चुनौती है भाजपा से भारत को मुक्त करने का, शिक्षक क्यों नाराज है, उनका तनख्वाह मिला है कि नहीं, शिक्षक को समय पर तनख्वाह का भुगतान हो रहा है कि नहीं, भारत सरकार समय पर शिक्षा विभाग में तनख्वाह के लिए पैसा नहीं देती है, लेकिन बिहार सरकार अपने संसाधन से उनको समय पर तनख्वाह देती है, उनको सम्मान देती है, उनको इज्जत देती है। मैं समझता हूँ ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, लोगों को रोटी कैसे मिलेगी, लोगों की महंगाई कैसे कम होगी, ये सवाल महत्वपूर्ण है। आज बीजेपी ये कह रही है कि आपने हिंदुओं के पर्व में छुट्टी में कटौती की है। अरे भाई, बीजेपी से हम लोग पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दे रही है बीजेपी। मनरेगा के मजदूरों का 23 जून से उनके खाते में पैसा नहीं गया मजदूरी, तो हवा पी के रहेंगे मजदूर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि पैसा नहीं गया है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, अब बिहार के गरीबों के साथ सौतेल्यापन व्यवहार हो रही है, अब गिरिराज बाबू दूसरा विभाग पर बोलते हैं, वो अपना विभाग से पैसा गरीब के लिए क्यों नहीं भेजवाते हैं। सिलेंडर के दाम पहले उन्होंने बढ़ाया 400 से कर दिया 1200 पर, और 200 घटा रहे हैं, तो देश की जो हमारी माता और बहनें महिलाएं हैं, जो रसोई बनाती है, जो हमारी महिलाएं जुड़ी हुई है, गृहिणी लोग हैं, वो 400 जब तक नहीं होगा तब तक मानने वाले नहीं है। 400 सिलेंडर का दाम भारत सरकार को करना चाहिए जो पहले की स्थिति में है। लेकिन एक सवाल है कि नीतीश कुमार कल जा रहे हैं बैठक में, क्या लगता है कि वो प्रधानमंत्री के लायक हैं, आपको क्या कैसे देखते हैं? अच्छा, वहाँ प्रधानमंत्री की अभी बैठक हो रहा है, प्रधानमंत्री तो जब चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तब ना प्रधानमंत्री कोई उसमें से चुने जाएंगे, उसमें से मंत्री चुने जाएंगे, उसमें से सब कुछ चुनाव होता है। अभी नीतीश कुमार जी का मिशन एक है कि जो देश के सामने चुनौती है भाजपा से भारत को मुक्त करने का, उस चुनौती पर काम हो रही है, और सभी विपक्ष दलों को, देश भर के विपक्षी दलों को श्री नीतीश कुमार जी सबको एक कर रहे हैं, और कल और परसों जो बैठक होगी उसके बाद आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। है ये तो आप 2 मिनट में पता लगा लीजिएगा पत्रकार जी, हम लोग असत्य का सहारा लेने वाले नहीं हैं, जो हो रहा है वही मैं कहता हूँ। और 33% मनरेगा के बजट में कटौती कर दिया भारत सरकार, कि गरीब को जिलाना चाहती है, कि गरीब को उजाड़ना चाहती है। 1100 करोड़ रुपया मनरेगा के मटेरियल का बकाया है, ये भी झूठ होगा, सब नेट पर देख लीजिए, ग्रामीण विकास के वेबसाइट पर खोज लीजिए, तब चलाइएगा, अगर सही होगा तो चलाइएगा, और नहीं तो वो जो कह रहे वही चलाइएगा। मुंबई में बैठक होने जा रही है, पर क्या सर मुंबई बैठक हम तो अलग एक ही साथ कर लीजिए, आप अलग फिर नहीं देंगे इसी में सर। आम आदमी पार्टी ने बोला है कि अरविंद केजरीवाल को पीएम बनना चाहिए। बोलिए क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे थे कि मुंबई में जो बैठक होने वाली है उसमें मुख्यमंत्री जी संयोजक बनने की उम्मीद है पार्टी के तौर पर। अभी जो हमारा एजेंडा है भाजपा से भारत को मुक्त करने का, उसी दिशा में सब पहल हो रही है। क्या मॉडल होगा, क्या मोडलिटी होगा, क्या एजेंडा होगा, सब चीज तय हो जाएगा मीटिंग में, और तय होगा, और उसी पर हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल बोल की पार्टी बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल को पीएम बनाना चाहिए। अभी पीएम बनाने का एजेंडा नहीं है, अभी एजेंडा है भाजपा को भारत से मुक्त करने का, और उसी दिशा में सब लोग लगे हुए हैं। आप जनता महान है, कोई किसी को प्रधानमंत्री, कोई किसी को संयोजक, किसी को कुछ बोलती है, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? जिनके जो समर्थक हैं, जो जिनके शुभचिंतक हैं, उनको लगता है कि हमारे नेता अच्छा है, हमारे नेता अच्छा है, हमारे लिए सब नेता अच्छा हैं, और मिल बैठ के जो फैसला करेंगे उसी पर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 11 सदस्यीय टीम जो है वो कमेटी बनाई जाएगी, तो आप लोग मॉडल का बात, हम लोग को मालूम नहीं है कि 11 सदस्यीय बनेगी कि 21 सदस्य, वो तो बैठक में सब तय होगा, और तय होके जब आएगा सामने तब आप लोग को विस्तार से बताया जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार में करने में थोड़ा ज़्यादा
सहूलियत होगी, सही बात सामने आएगी। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार कहते नहीं है वही करते हैं। अब नीतीश कुमार जी के बारे में वो ज़्यादा जानते हैं कि हम लोग ज़्यादा जानते हैं, देश की जनता ना ज़्यादा जानती है, बिहार की जनता ना ज़्यादा जानती है। जीतन बाबू अब क्या कह रहे हैं उनका कोई बात सुन रहा है, वो कब क्या बोलेंगे क्या पता है। हम लोग के सम्मानित नेता हैं जीतन बाबू, उनको राज्य और देश के हित में बोलना चाहिए, देश और राज्य के हित से अलग कुछ बात नहीं करे सभी नेता तो अच्छा है। अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी गैस सिलेंडर का दाम जो सरकार 200 रुपये कम किया केंद्र सरकार, अन्य राज्यों की तरह बिहार भी क्यों नहीं सब्सिडी देके 500 रुपये कर देती है। भारत सरकार की हमारी जो बिहार की देश की गृहणियाँ हैं, माता और बहनें हैं, वो 200 रुपया में मानने वाली नहीं है। ये 400 रुपया से बढ़ा करके ये 1200 इन्होंने किया है, 400 पर भी लाएंगे तब भी इनके बात पर इस बार भरोसा करने वाले नहीं है। ये बिदागी के समय जो ये कम कर रहे हैं, समझ गया कि वोट लेवे लागे इसे कर रहा है, तो इस बार वोट का बोहनी इनको होने वाला नहीं। धन्यवाद। बीजेपी लगातार तंग कर रही है कि हिंदू का जो पर्व है उसी की कटौती की गई शिक्षक के मामले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सौहार्द बिगाड़ने वाली पार्टी है, तो यही सब एजेंडा पर वो अपना बातचीत करती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी को रोजगार पर बोलना चाहिए, महंगाई पर बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार पर बोलना चाहिए। चंद लोगों के हाथों में देश की संपत्ति आज बेची जा रही है, उस पर कहाँ भारतीय जनता पार्टी बोलती है। बिहार में जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको 23 जून से एक छदाम उनके खाते में नहीं गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, केंद्र प्रायोजित योजना है, मनरेगा के मजदूरों को पैसा भारत सरकार ही देती है, तो उससे पूछिए कि 23 जून से उनको गरीब के खाते में पैसा नहीं गया है तो हवा पी के रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो हवा पी के रह रहे हैं, तो ये गरीबों के साथ नाइंसाफी करने वाली सरकार है और गरीबों को धोखा देने वाली सरकार है, और इसलिए गरीब लोगों को परेशान करने में लगी। इनका कहना है कि शिक्षक की जो छुट्टी की कटौती की गई है उसमें के पाठक जी को स्कूल का बिल्डिंग नहीं दिखाई देता है, शौचालय की कमी वो नहीं दिखाई देता, लेकिन बाकी चीज़ सब कुछ दिखाई दे रहा है, शिक्षक की कैसे छुट्टी कम। बिहार के लोगों को मालूम है कि स्कूल का बिल्डिंग अब गांव में पहुंचने से पहले जो झलकता है तो बड़े लोगों के घर से बेहतर झलकता है। अस्पताल का बिल्डिंग जब रोड से जाते हैं तो बगल में दिखता है तो बड़े लोगों के घर से बेहतर दिखता है, इस सबको बिहार के लोगों को मालूम है। अब भाजपा के लोगों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश जाके देखें ना कि कैसा बिल्डिंग लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब लोगों को जो तबाह करने में लगे उसका जवाब है उनके पास। बिहार में गिरिराज बाबू जो आज बोल रहे हैं दूसरे बात उठाते रहते हैं, उनको पूछिए आप लोग कि 3 साल से गरीबों का प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य नहीं मिला है, 2018-19 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला, 2022-23 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला, 2023-24 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला। और गिरिराज बाबू कौन सी का मंत्री है, शिक्षा मंत्री हैं, गिरिराज बाबू ग्रामीण विकास मंत्री है, 3 साल का लक्ष्य बिहार में क्यों नहीं मिला। और जब से गिरिराज बाबू मंत्री बने हैं तब से एको को लक्ष्य बिहार को क्यों नहीं मिला आवास योजना का, उनसे पूछिए उनके पास जवाब है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।